हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूपीएससी ईपीएफओ का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है शॉर्ट नोटिस आया है 25 फरवरी 2023 से इसका आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा इसके पहले ये आपकी जो वैकेंसी रिलीज़ करी गई थी वो आई थी 11 जनवरी 2020 को तब आपका 421 वैकेंसीज आई थी उसके बाद अब ये फाइनली ईपीएफओ का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिस आ चुका है नोटिफिकेशन और बाकी सारी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट या फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल मिल जाएगा 25 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट्स ऑफिसर इसमें आपका टोटल फोर वैकेंसीज रिलीज करी गई इसके अलावा असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ए इसमें आपका 159 वैकेंसीज रिलीज करी गई हैं ये आपके सामने स्क्रीन पर शॉर्ट नोटिस है आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर आप देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले जो आपकी वैकेंसी रिलीज करी गई है वो है आपकी इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर की ई में ई डिपार्टमेंट है लेबर एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में आता है एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ई तो इसमें ईओ और एओ यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर की वैकेंसी रिलीज करी गई है टोटल वैकेंसी है 489 सॉरी 487 एट्टी सेवन अनरिजर्व कैटेगरी की 204 सौ वैकेंसीज हैं ई की 51 है ओ की 78 है एस की 57 है और एस की 28 है इसके बाद दूसरा आता है ई में ही इम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता है इसमें असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इसकी वैकेंसी आई है आपकी 159. तो आप देख सकते हैं एपीएफसी की वैकेंसी टोटल आई है 159. फिफ्टी अनरिजर्व कैटेगरी में 68 वैकेंसीज हैं, ई में 16 वैकेंसीज हैं, ओ में 38 वैकेंसीज हैं एस में 12 वैकेंसी हैं और एस में 25 वैकेंसीज हैं अब अभी ये एक शॉर्ट नोटिस आया है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आएगा तो हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या सैलरी स्ट्रक्चर है प्रीवियस ईयर पेपर ये सारा कुछ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे ई एग्ज़ाम का और इसके रिगार्डिंग एक मैंने ग्यारह जनवरी दो को एक वीडियो अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल पर वहाँ पर यू पी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है UPSC EPFO से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इसके साथ साथ आपको आई बटन पे भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप जा करके चेक कर सकते हैं पूरा डिटेल अब देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं सबसे पहले तो देखिए क्या लिखा गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर सारा कुछ आएगा यू और कब से स्टार्ट होगा पच्चीस फरवरी दो से लास्ट डेट है सत्रह मार्च दो वैकेंसीज की अगर बात करें तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं 487 वैकेंसीज आपका ईपीएफओ में इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर की रिलीज करी गई हैं एस की 57 सेवन एस की 28 एट ओ की 78, एट ई डब्ब्ल्यू एस फिफ्टी वन कैटेगरी दो सौ पार इसके अलावा पी डब्लू डी कैंडिडेट्स के लिए 25 वैकेंसीज रिजर्व करी गई हैं यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ें हम समझ लेते हैं अगर यहाँ पर कुछ दी गई है पे स्केल बोला गया है लेवल एट पे स्केल है इसका यहाँ पर लेवल एट ई में ईओ और ए का जो पे स्केल है वो है लेवल एट मैक्सिमम एज यहाँ पर बोली गई है थर्टी ईयर्स आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है एज थर्टी ईयर्स मैक्सिमम एज है थर्टी ईयर्स दूसरी वैकेंसी की बात करेंगे वन फिफ्टी नाइन वैकेंसी है ए पी एफ सी की असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की ई पी एफ ओ ऑर्गेनाइजेशन में एस सी की ट्वेंटी फाइव है एस टी की बारह है ओ बी सी की थर्टी एट है ई डब्ल्यू एस की सोलह है अनरिजर्व कैटेगरी की सिक्सटी एट और इसके अलावा आठ वैकेंसीज पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व करी गई यहाँ पर अगर हम बात करें पे स्केल की तो इनका जो पे स्केल है वो है लेवल दस ए पी एफ सी का पे स्केल है लेवल टेन और यहाँ पर जो मैक्सिमम एज दी गई है वो दी गई है थर्टी फाइव ईयर्स मैक्मम एज है थर्टी फाइव ईयर्स इसके बाद क्या बोला गया क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब कि जो आपका क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा एज का क्राइटेरिया होगा जितने भी सारे कुछ आपका क्राइटेरिया होंगे वो फुलफिल करेंगे क्रूशियल डेट पर क्रूशियल डेट कब होगी क्लोजिंग डेट होगी मतलब कि लास्ट डेट होगी आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट क्या है सत्रह मार्च दो हजार तेईस सत्रह मार्च दो हजार तेईस यहां पर बोला गया है द कैंडिडेट्स विलिंग टू अप्लाई फॉर द एब वैकेंसीज आर एडवाइज टू विजिट कमीशंस वेबसाइट विच इज यूपीएससी ऑनलाइन डॉट एनआईसी डॉट इन ऑब्लिक यूपीएससी ऑब्लिक ओटीआरपी ओब्लिक इंडेक्स डॉट पी एच पी और यूपीएससी ऑनलाइन डॉट एन आई सी डॉट इन यहां पर बोला गया है द डिटेल्ड रिक्रूटमेंट स्पेशल एडवर्टीजमेंट अलॉन्ग विद इंट्रक्शन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट बाई सलेक्शन वेबसाइट यूपीएससी डॉट जी ओवी डॉट इन अभी तक ये ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट नहीं आया पर डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट बहुत जल्दी इनकी वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा और इससे रिलेटेड अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो हमारे उस वीडियो पर अवेलेबल है आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पर हम आपको ई पी के प्रीवियस ईयर पेपर ई का प्रीवियस ईयर पेपर सैलरी कितनी है कट ऑफ क्या रहता है ये सारी चीज़ें हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर देंगे वहां पर हम सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा देंगे इसके अलावा आप हमारा ये वाला यूट्यूब पर जो वीडियो अवेलेबल है वो देख सकते हैं वहां पर सारी डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जो कि ग्यारह जनवरी दो को उस टाइम पर दो में दो तीन साल पहले रिलीज किया गया था तब फोर वैकेंसीज आई थी चार वैकेंसीज आप उस वीडियो को देख सकते हैं वहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन बाकी जब इसका डिटेल्ड आपका एडवर्टीजमेंट रिलीज़ हो जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आपका डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आ जाएगा तब हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड दे, दे देंगे और कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग